आपका हमारे YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जो नेबुलाइजर मशीन होती है, जो भाप लेने की मशीन होती है, तो उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसके पार्ट्स को कैसे जोड़ा जाता है। हमारे पास आज एक ये मशीन रखी हुई है ओजोन की, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मशीन है। तो आज हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं आपके सामने। ये मेक इन इंडिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेक इन इंडिया भारत में बनी हुई है और इसकी एक साल की गारंटी भी आती है और इजी टू कैरी होती है। इसके अंदर सारे फीचर्स होते हैं, आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, सारा कुछ है इसके अंदर। तो अब हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। अब हम आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। तो हमने पहले ही बॉक्स खोल लिया है, अब आप देख सकते हैं एक इसके अंदर ये निकला है मास्क, मास्क टाइप का होता है ये, और एक और इसके अंदर निकला है। अब हम इसके अंदर से ये मशीन को निकालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रांड न्यू कंडीशन में ये पूरी मशीन है। अब हम इसको, जैसे हमने इसका पैकेट खोल लिया है, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से ओजोन मशीन आती है और इसके साथ जो एसेसरीज आती है वो इस तरह से काफ़ी सारी एसेसरीज आती हैं। अब हम इनको एक एक करके खोल के आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके साथ एक इतनी बड़ी पाइप आती है जिसकी सहायता से जो भाप होती है, मशीन में से जो भाप होती है वो इस मास्क तक पहुंचती है, इस मास्क तक पहुंचती है। ये आप मास्क अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप जैसे थोड़ा सा बच्चों के लिए अगर आप यूज़ करते हैं तो छोटा मास्क यूज़ कर सकते हैं। और ये इस तरह से ओपन आता है एक्चुअली में, देख सकते हैं इस तरह से ये पार्ट्स आते हैं। तो अब हम इन पार्ट्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे। पहले क्या होता है, ये जो मास्क होता है इसको इसके अंदर इस तरह से जोड़ा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये वो रिफिल है जिसके अंदर दवाई डाली जाती है। हम अभी आपको दवाई भी डाल के दिखाएंगे कैसे दवाई डाली जाती है। तो इसको इस तरह से हम यहाँ पे इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से इसको अटैच कर देंगे इसके साथ, और इसको लॉक कर दिया है हमने। अभी ये यहाँ पे अच्छी तरह से लॉक हो चुका है और ये ऑलरेडी इसमें लगी हुई आई है। और दूसरा पार्ट क्या आता है, दूसरा अभी हम खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। और इसके अंदर भी एक बड़ा मास्क है, जैसे कोई बड़ा आदमी है या जिसका बड़ा चेहरा है वो अगर इसको यूज़ करना चाहे तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरह से। तो ये जो बड़े आदमी जिसका बड़ा चेहरा है वो भी इसको यूज़ कर सकता है, इसके अंदर इस तरह से ये रबड़ होती है। तो अभी हम इसको देखते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे, जो ये पाइप होती है, पाइप को इस वाले आप जैसे देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे, ये जो पाइप है अब इस पाइप को इसके अंदर दिया जाता है, क्योंकि यहीं से ही यही वो छेद है जहाँ से भाप निकलती है और जो भाप मशीन प्रोड्यूस करती है। तो अब हम इसको इसके अंदर ऐसे फिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं इसको आपको टाइटली फिक्स करना है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी लूज छोड़ देंगे तो क्या रहेगा कि यहाँ से जो हवा है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी, जो एयर है, और वो यहाँ से लूज होता रहेगा और वो प्रॉपर आप भाप नहीं ले पाएंगे। तो आपने देखा हमने आप इसको ऐसे जोड़ दिया है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमें ये जो हमारा प्लग है इसको हम यहाँ पे स्विच में लगा देंगे, स्विच बोर्ड के अंदर, और अब हमने इसको यहाँ से ऑन कर दिया है। अब आप देख सकते हैं अब हमने इसको ऑन कर दिया है। अब यहाँ से मशीन को हम ऑन करेंगे, ये मशीन का स्विच है, मशीन का एक कंट्रोलर होता है, यहाँ से हम मशीन को ऑन करेंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें अब आवाज़ आ रही है एक तरह की। तो इस तरह से आप इसको ऐसे लगाएंगे और इसको मुँह पर आप लगा देंगे, आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम आपको दवाई डाल के दिखाएंगे। हमारे पास ये रिफिल रखी हुई है, ये बच्चों वाली है, जैसे अगर बच्चे को जुकाम हो जाए तो आप इसका नाम भी पढ़ सकते हैं। इसका जो नाम है वो
लिवोलिन 0.63 mg रिपल्स है इसका जो नाम है। तो आप बच्चे, ये ज़्यादा महंगी नहीं होती है, 6-7 रुपए की एक आती है। तो इसको क्या करना है, अब हमें अगर जैसे बच्चे को जुकाम है, बच्चे का गला खराब है, तो इसको ऐसे एक ले लेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे इसमें दवाई डालने का होता है, या तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, या अगर आप इसको इस तरह से अगर ओपन नहीं करना चाहते क्योंकि बार बार ओपन करने में दिक्कत होती है, तो आप इसको यहाँ से, ये आप, मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको ये दिखा रहा हूँ मैं, ये यहाँ से दवाई डालते हैं इसके अंदर, ये रिफिल करते हैं। तो मैं अभी आपको रिफिल करके दिखाता हूँ। ये हमने इसको ओपन कर लिया है इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दवाई डालने के लिए होल दिया हुआ होता है। अब हम इसको इसके अंदर इस तरह से पूरी को रिफिल कर देंगे। आप चाहें तो ये दो बार में यूज कर सकते हैं, बच्चे अगर छोटा बच्चा है, अगर आप उसको जुकाम ज्यादा है, दो बारी में भी यूज कर सकते हैं आप इसको। तो इसको अगर आप जैसे दो बारी में यूज कर सकते हैं, अभी मैंने फिलहाल के लिए डेमो के लिए इस पूरी रिफिल को इसके अंदर डाल दिया है और यहाँ से इसको ऐसे क्लोज कर दिया। आप देख सकते हैं ये इस तरह से यहाँ से क्लोज हो जाता है। अब हमने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया है। अब हम आपको भाप दिखाएंगे, मशीन दिखाएंगे कैसे मशीन चलती रहती है और किस तरह से ये भाप प्रोड्यूस करती है। तो हमने इसको ऑन कर दिया है, तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह से भाप स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें भापे उठ रही है। अब जैसे जो भी कोई पेशेंट है, तो मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूं। आप इस तरह से लगा सकते हैं, आप इस तरह से भाप ले सकते हैं इसके अंदर। और अगर मान के चलो कोई नया पेशेंट है, अगर आप उसको इस ये मास्क नहीं पहनाना चाहते, जैसे मान के चलो कोई और यूज करना चाहता है इस मशीन को और आप नहीं चाहते कि वो मेरा मास्क यूज करे, तो आप इसको यहाँ से ऐसे भी हटा सकते हैं और इस तरह से भी आप भाप दे सकते हैं किसी को भी। आप देख सकते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो ये जो भाप है इसके अंदर कम से कम 4-5 मिनट चलती है। 4-5 मिनट में जो अंदर का कफ होता है, बच्चे के अंदर का कफ है, वो सारा कुछ साफ हो जाता है, धीरे धीरे गला साफ होने लगता है। आप इसमें देख सकते हैं इस तरह से भाप उठती है। ये इसका इनलेट होता है, जो अंदर हवा लेता है वो इसमें, पहले ये जो ये होता है ये हवा लेता है इसके अंदर, फिर वो जो हवा है इस पाइप के थ्रू इस यहाँ पे आती है और वो इस दवाई को मेल्ट करती है, जिससे ये भापे बनती हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप भाप यूज कर सकते हैं इसको। जैसे मान के चलो ये नोज है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप मास्क लगाना चाहते हैं, तो वेलेंटाइन आप इस तरह से, मास्क में क्या होता है कि मास्क में जितनी भी जो भापे होती है, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें क्या होता है कि साइड में काफी ज्यादा वेस्टेज होती है भाप की, लेकिन अगर हम इसको लगा देंगे तो बिल्कुल भी भाप जो है वो वेस्ट नहीं होगी और सारी की सारी नोज के अंदर भाप जाएंगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, तो इस तरह से अब जैसे इसके अंदर सारी जो रिफिल है वो खत्म हो चुकी है। तो अब हम अगर इसको पैक करना चाहेंगे, अब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो दवाई थी वो सारी खत्म हो चुकी है भाप के थ्रू। अब हम इसको पैक करते हैं, हम आपको बताते हैं कि इसको पैक कैसे करना है। पहले यहाँ से स्विच ऑन ऑफ करना है और यहाँ से भी स्विच ऑफ करना है, फिर उसके बाद ये यहाँ से प्लग निकालना है। प्लग निकालने के बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको ना ये पाइप यहाँ से नहीं निकालना है और ना ही ये पाइप यहाँ से निकालना है, क्योंकि अगर आप बार बार यहाँ से और यहाँ से इन पाइपों को निकालेंगे, तो इन पाइपों का जो ये जोड़ है, इस तरह से ये जो जोड़ है ये लूज हो जाएगा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो जोड़ है ये लूज हो जाएगा और लूज होने के कारण इसके अंदर अच्छे से भाप नहीं बन पाएंगी। तो बेटर यही रहेगा कि एक बार इसको फिक्स करने के बाद आप इसको ना निकालें। और अगर आपको जैसे भी पैक करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ पैक किस तरह से करते हैं। इसको इस तरह से मोड़ेंगे आप, मोड़ने के बाद जो ये पाइप है इसको इस ही वे में, और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार,
या तो आप पिन्नी में भी रख सकते हैं, या पिन्नी में नहीं रखना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, एक ऐसा जो ये बॉक्स है इसको ऐसे यहाँ से कट करेंगे, जब इसको यहाँ से कट करेंगे तो ये पाइप यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे इसको रखना है। इस मशीन को आपको इस तरह से रखना है। अब ये जो पाइप है ये यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया तो ये पाइप बिल्कुल अच्छे से आराम से पैक हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे करेंगे और ये इसके अंदर हमने आराम से ये रख दिया, और उसके बाद जो हमारे पास दूसरा मास्क है उसको इस तरह से इसके अंदर डाला, और आप इस तरह से इसको पैक कर सकते हैं ठीक ढंग से। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी मेल आईडी डाली हुई है, आप मेल छोड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, इसकी जो कीमत है लगभग 1200 से 1500 रुपए इसकी कीमत होती है, और इसकी जो वारंटी होती है 1 साल की वारंटी होती है। हालांकि ये जाता नहीं कहीं भी नहीं है, कुछ नहीं होता है, 2-2, 3-3 साल तक ये मशीनें चलती हैं, आपके घर में अच्छे से काम आएंगी, सभी बच्चे यूज़ करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।